टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मनीष टैक्स गुरु चैनल को। दोस्तों, हमने देखा होगा कि जब हम अपने टैक्स के या कोई भी बुफर हो, हम उसमें जब ड्यू सॉन्ग चलाते हैं उसका बेस खराब हो जाता है, बेस एकदम दब जाता है और हमारा गाना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आया हूँ। दोस्तों, हमको दो ये कैपेसिटर चाहिए होगी जिनकी जो वैल्यू है 4700 UF 25 वोल्ट। दोस्तों, इन दोनों कैपेसिटर को हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं और कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा इंटेक्स का ऊपर है, इसका बेस अक्सर करके जब भी मैं कोई नया गाना चलाता हूँ तो इसका बेस घुर जाता है। और इसके ऊपर जो दोस्तों ये वो लगा हुआ है, ये ब्लूटूथ डिवाइस है। इसे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर ये लगाना चाहते हो अपने ऊपर में ब्लूटूथ सिस्टम तो इस वीडियो को जाके मेरी चैनल लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना दोस्तों, जिससे पता चले ऊपर में कैसे लगाते हैं इसको। और दोस्तों, ये हमारे 4700 UF के 25 वोल्ट कैपेसिटर, इन कैपेसिटरों को हम अपने जो हमारा जो इंटेक्स के बोर्ड का जो सर्किट होता है उसमें हम इनको लगा देंगे। दोस्तों, इनको लगाना उस जगह जहाँ पर जिस जगह जो कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों, लेकिन वो दोस्तों कम वैल्यू के होते हैं जिससे कि वो अपना एम्पियर अच्छी तरह से नहीं दे पाते। दोस्तों, ये एक तरीके से आईसीओ को एम्पियर देते हैं। जब भी कोई बेस आता है तो ये अपना मतलब दब जाते हैं दोस्तों, इससे हमारा बेस नहीं निकलता है। तो दोस्तों, हमको भी ये देख लो दोस्तों, ये 2200 UF का है। देखो यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है इसका 2200 UF और 25 वोल्ट, लेकिन दोस्तों ये, और देखो हमारा दोस्तों 4700 UF का है, इससे अच्छा काम करेगा दोस्तों। इसे दोस्तों हमें लगाना इस तरीके से दोस्तों, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस में, हमारी दो जगह है दोस्तों, एक एक लगा देंगे। अगर हम चार चार भी लगाएंगे दोस्तों तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार लगा सकते हैं एक साथ 25 वोल्ट UF के दो। तो दोस्तों, इनको उसी तरीके से लगाने जिस तरीके से वो लगाए। अब माइनस का माइनस में पेन दोस्तों, इसकी पहचान ये है, एक साइड में माइनस लिखा होता है दोस्तों, ब्लैक कलर में माइनस, एक साइड में कुछ नहीं होता है, एक साइड में माइनस। जैसे ऊपर वाले कैपेसिटर में ये देखिए दोस्तों, इस जगह माइनस लिख रहा है और इसकी इस पर भी माइनस लिख रहा है, उस पर भी माइनस लिख रहा है। तो दोस्तों, इसको हम इसी सीरीज में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको जोड़ देते हैं। और दोस्तों, ये हमने जोड़ दिया और इसके दूसरी टांग को भी जोड़ देते हैं दोस्तों। इसे जोड़ने के बाद इसको हम प्लेट के एक साइड में टेढ़ा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम जो दूसरा हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में भी, हमारा जो दूसरा कैपेसिटर है दोस्तों, एक प्लस माइनस का यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान रखने की बात है दोस्तों, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, नहीं तो ये आपस में कैपेसिटर गर्म पड़ेंगे और कैपेसिटर फट जाएंगे अगर प्लस माइनस उल्टा दो दोस्तों। तो इसका प्लस ऊपर है और माइनस इसका नीचे है दोस्तों, तो इसको हम लगा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको भी प्लेट की तरफ, बोर्ड की तरफ टेढ़ा करके लगा देंगे। देख लो दोस्तों, इसका देखो माइनस प्लस 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 ऊपर है इसका, और इसका माइनस दोस्तों नीचे होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका माइनस। देखो दोस्तों, इसका माइनस नीचे है, ये वाइट वाइट हो रहा है, यहाँ पर इसका माइनस है दोस्तों, और ये ऊपर है इसका प्लस है, ये दोस्तों इसका माइनस है, और हमारे कैपेसिटर में इसको हमने माइनस लगाया है दोस्तों। इससे जो होगा, आपका कभी भी कितना कैसा भी सॉन्ग चला तो आपका बेस घुरेगा नहीं और आपका एकदम एक्चुअल बेस आने लगेगा दोस्तों, आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ को लगाने से। तो दोस्तों, इसको लगा लीजिए और आप अपने ऊपर का बेस ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लीजिए दोस्तों, चलो इसको हम बंद कर देते हैं दोस्तों। इससे लेकिन दोस्तों, हमारा कभी बेस ख़राब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम अपना बूफर को जैसा था तैसा कस दे रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना।
और वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे हम टेस्ट करके देखते हैं।